नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके लिए आ गया रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्री में सबका होगा सिलेक्शन। किनका फ्री में होगा? जो पढ़ाई करेंगे। ठीक, कॉम्पिटिशन मैंने बता दिया क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है कि किसी किसी जोन में ऐसा भी होगा कि 65 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से करके चले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 सबसे आसान जोन जहाँ पे इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होने वाला है। आसानी से कैसे? देखो हम 3-4 चीज़ें देखेंगे भाई, फॉर्म कितने भरे हैं, ठीक, कितना वहाँ पे वैकेंसीज हैं और किस हिसाब से क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। और इसके अलावा हमारी पीडीएफ है कुछ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक और बात, मैं रेलवे मास्टर पीडीएफ मैंने बनाया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए स्पेशली बनाया, तो इस पीडीएफ को आपको जरूर बाई करना है। इसके अलावा इसमें मैथ के 20 सेट मिल जाते हैं, स्ट्रेटेजी के 33 सेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, साइंस के 44 सेट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रीजनिंग के 10 सेट मिल जाते हैं। ठीक, और अलग अलग में पीडीएफ लेने की बात करें जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, उसमें साइंस की वीडियो बाबू लेके कंपलसरी है पढ़नी है आपको बाबू। इसके अलावा आप स्ट्रेटेजी जीके की पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो। ठीक, मैथ जिनका वीक है वो 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर जरूर लगाना। ठीक है, चलिए शुरू करें भाई। 5 सबसे आसान जोन, सबसे पहले देखो भाई, अगर जो मैं कंपैरिजन बताऊँ किस हिसाब से सर जी आप डाटा बताते हैं, देखो भाई ऐसा डाटा मैं इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि अगर जो आप देखोगे 2018 में भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई, 2019 में भी आ गई, 2018 में बात करें एक करोड़ जहाँ पे 1,65,00,000 फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी 62,000 थी, उसमें भी हमने कट ऑफ देखा था, उसमें भी बच्चों का देखा था किस हिसाब से बच्चों ने पेपर दिया था, हमने उसके बाद एनटीपीसी का पेपर देखा। ठीक, उसमें भी तो जोन वाइज डाटा आया था। एनटीपीसी में हमने देखा कि परीक्षा लेट हुआ और किस हिसाब से बच्चों ने पेपर को छोड़ा। ठीक, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, उस हिसाब से भी हम यहाँ पे उसके डाटा को भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हमने देखा कि रेलवे ग्रुप डी की बात करें, इस बार 1,03,000 वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम होना है फरवरी में। और बात करें इसमें फॉर्म कितने भरे थे, 1,15,00,000, देखोगे कि 62,000 वैकेंसी में 1,65,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे और जो 1,03,000 की वैकेंसी इसमें आपके जो टोटल फॉर्म फिले 1,15,00,000 भी फॉर्म 50 लाख फॉर्म कम फिलअप हुए, तो इसका प्रॉफिट किसको होगा? इसको फायदा तो आपको होगा। और इसमें भी कई बच्चे ऐसे थे जो पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए थे, एग्जाम निकल गया था, लेकिन जो कि जो वैकेंसी थी ना वो पेंडिंग में थी, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई थी, उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर नहीं था, तो इस कारण से उन्होंने भी फॉर्म डाला था। और 3 साल का गैप, यानी कि 3 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो बीच में SSC GD की, यूपी पुलिस में भी कई बच्चों का सिलेक्शन, क्या वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने आएंगे? नहीं आएंगे। और मैं फिर से बोलता हूँ कि 40-45% बच्चे इस एग्जाम में अपसेंट रहने वाले हैं। अब बताओ कहीं पे भी आपके दिमाग में जो 1 करोड़ वाला डर है उसको निकाल दो, 1 करोड़ फॉर्म फिलअप हूँ ये वाला निकाल दो डर, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 50-55 लाख, इससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। और वैकेंसी की बात करें, कितनी वैकेंसी है? वैकेंसी 1,03,000 है। कितने बच्चे पास होंगे? 3 गुना बच्चे पास होंगे। है ना मौका, है ना मौका आपके लिए। चलिए हम बात करें 5 सबसे आसान जोन जहाँ पे एकदम 0 कंपटीशन होने वाला है। आप अगर जो पढ़े हो 65-70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके चले आते हो तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करें भाई मुंबई, हैं मुंबई कौन सा शहर बोलते हैं, सपनों का शहर बोलते हैं ना मुंबई को, तो जिनको मुंबई जाना है भाई, मुंबई जोन से फॉर्म डाले होंगे, तो मुंबई की बात करें हम यहाँ पे, तो देख सकते हो कितने फॉर्म फिलअप हुए यहाँ पे। देखो सबसे पहले वैकेंसी 10,000 है, कितनी वैकेंसी है? 10,734, अच्छी खासी है वैकेंसी। ठीक, तो फॉर्म कितने फिलअप हुए भाई, फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं देख सकते हो आपके टोटल 2,32,748 फॉर्म फिलअप किए। यहाँ पर सीट कंपटीशन देखो 22 रहने वाला, कितना पर सीट कंपटीशन कैसे रहने वाला, 22 ही रहने वाला है। ठीक, चलिए अब बात करें हम यहाँ पे, बात करें यहाँ पे, अगर जो आप देखो कि क्वालिफाई करने के लिए पीटी के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, आप देखो मैंने ये कैसे निकाला डाटा, सर आप कैसे डाटा निकालो, ये वाला डाटा क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैंने आपको बताया कि 3 गुना बच्चों को पीटी के लिए पास किया जाएगा, 3 गुना बच्चों को पीटी के लिए पास किया जाएगा, तो इसमें फॉर्म कितने भरे हुए हैं, 2,32,748, 10,734 वैकेंसी है, 22 पर सीट कंपटीशन रहने वाला, 22 बच्चे पर सीट कंपटीशन के लिए फाइट करेंगे,
ये सबसे आसान जो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब पीटी के लिए अगर जो देखें कंपटीशन कितना रहेगा, 7% कंपटीशन रहेगा। कैसे? अगर जो 3 गुना बच्चे पास होंगे यानी कि 10 गुना 10,000 × 3 करो, उसके बाद मैंने इस फॉर्म से इससे भाग दिया तब ये 7 निकल गया है, यानी कि पीटी के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो 7% कॉम्पिटिशन। लेकिन बाबू ये पीटी उटी से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको दिया है हौसला बढ़ाने के लिए कि आप अभी भी अगर जो बैठे हो तो मेहनत करना शुरू कर दो। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से आपकी तैयारी हो सकती है, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस की क्लास चल रही है आपकी, जिससे आप 25 क्वेश्चन आने हैं, मैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेके आना रहा हूँ, करंट अफेयर्स लेके आना रहा हूँ 15 तारीख से बाद से, ठीक है। तो पूरा करंट अफेयर्स 24 वीडियो में 24 मंथ का करेंगे, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कौन बोलता है? हाँ समझ गया होंगे। चलिए बात करें यहाँ पे टोटल मुंबई सबसे आसान जोन रहने वाला, आप 22% कॉम्पिटिशन लेके चलो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बाद में दुख बहुत ज़्यादा होता है भाई, सिलेक्शन ना हो, पहले फेल हो जाओ अच्छा है, लेकिन बाद में जब दिल टूटता है ना तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ पहले ही अगर जो रिजेक्ट हो जाओ तो अच्छी बात है, 1-2 महीना चलने के बाद दिक्कत हो जाता है, ठीक। चलिए अब हाजीपुर जोन की बात करें, हाजीपुर जोन की बात करें, फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, 99,172, वैकेंसी 3563 है। यहाँ पे 27% कॉम्पिटिशन, यानी कि मुंबई के बाद सेकंड जो सबसे आसान जोन रहने वाला हाजीपुर जोन रहने वाला, ठीक। और ये आप देख ही सकते हो, आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया, समझ लेना कि अगर जो 3563 में 3 का मल्टीप्लाई करते यानी कि इतने बच्चे 10,689 क्वालिफाई करेंगे पीटी के लिए, और इस हिसाब से 1% कॉम्पिटिशन 9 रहने वाला। भुवनेश्वर की बात करें, 91,313 फॉर्म फिलअप हुए हैं ग्रुप डी में, यहाँ पर वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 2555, यहाँ पर प्रसिद्ध कॉम्पिटिशन 36 है। कोलकाता जोन की बात करें, यहाँ पर देखोगे अगर जो तो आपका टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 2,30,394 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 10,873 वैकेंसी है, 22% कंपटीशन रहने वाला है, ठीक। इसके अलावा बात करें हम गुवाहाटी जोन की, तो 86,454 फॉर्म फिलअप हुए। मैं हर बार लाख की तरफ क्यों जा रहा हूँ, बड़ा नंबर क्यों दिख रहा है, 86,454 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 2854 वैकेंसी, और यहाँ पे 24% कंपटीशन रहने वाला है, ठीक। अगर जो पीटी के हिसाब से देखोगे तो 2854 × 3 करोगे 8,564 आएगा कंपटीशन, यहाँ पे 10% रहने वाला। और वैसे टोटल 5 जोन मैंने बताया, यहाँ पे आपका सबसे इन 5 जोन से जो भी बच्चे फॉर्म डाले एकदम तैयार रहे, और आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा 5 सबसे हार्डेस्ट जोन कौन से सबसे कठिन जोन रहने वाले हैं, जहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा, जहाँ पे आपको सिलेक्शन लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ये जो 5 जोन मैंने बताया यहाँ पे थोड़ा सा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है, ठीक है। मैंने बताया क्या क्या, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो भाई साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए आपका टारगेट के देखो क्या रहेगा, सीधी सी बात मैं कुछ नहीं बोलूँगा, साइंस के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक। आप आसानी से टारगेट तक पहुँचोगे, 22 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। क्या करना है, पहली बात पीडीएफ हमारा साइंस का लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। दूसरी बात खान सर की बुक है, मैं फिजिक्स कराना शुरू कर दिया है, बायोलॉजी भी कराऊंगा, ये कर लो। इसके अलावा मेरी डेली क्लास चलती है बायो की, वो देख सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स की क्लास भी चलती थी, 18 क्लास हो चुकी है, आगे भी कंटिन्यू वो देखिए है। इसके अलावा रुकमणी की क्लास मैं करा चुका हूँ, फिजिक्स की बायोलॉजी की पूरी बुक के MCQ मैंने करा है, उसको भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर जो आप कर लेते हो तब भी आपका साइंस का कहीं से भी नहीं जाना। इसके अलावा मैं फुल एंड टेस्ट लेने वाला, करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें हमने 24 वीडियो देंगे आपको, 24 वीडियो और 24 मंथ का, यानी कि पूरे 2020 और पूरे 2021 का करंट अफेयर्स हम करेंगे। तो इसके लिए आश्वस्त रहिए, हम जल्दी लेकर आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें मिलेंगी, PDF नोट्स, क्योंकि अगर जो तीन चार वीडियो डेली अपलोड होती है ना तो नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाता है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सभी लोगों से ज़रूरी है कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उसी में मैं क्लासेस की अपडेट, जो PDF होती है इंपॉर्टेंट क्लासेस की, वो मैं सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ गए कौन कौन से 5 जोन में, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। पहले नंबर पर आपका मुंबई है, दूसरे पर हाजीपुर जोन है, तीसरे पर भुवनेश्वर है, चौथे पर कोलकाता है, पाँचवें है गुवाहाटी, ठीक। चलिए जल्दी से वीडियो पसंद है लाइक करें, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।